नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है और हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ कविता राणा। 8 दिसंबर 2021 भारत के इतिहास में दर्ज ये वो काली तारीख है जब भारत मां ने अपने वीर सपूतों को खोया। तमिलनाडु के कन्नूर में हुई हेलीकॉप्टर दुर्घटना 135 करोड़ भारतीयों की आंखों को नम कर गई, क्योंकि इस दुर्घटना में देश ने न सिर्फ अपने 11 जवानों को खोया बल्कि देश के पहले CDS जनरल बिपिन रावत भी शहीद हो गए। जनरल बिपिन रावत को पूरे सैन्य सम्मान और 17 तोपों की सलामी के साथ अंतिम विदाई दी गई। और इस बीच देखिए, आम से खास, नेताओं से लेकर राजनेताओं ने, हर किसी ने तहे दिल से बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दी। और यहां तक कि उनकी शहादत पर पड़ोसी मुल्कों के टॉप कमांडर भी शामिल हुए। देखिए ना, श्रीलंका से लेकर भूटान, बांग्लादेश और नेपाल के टॉप कमांडरों ने भारत आकर उन्हें अंतिम विदाई दी। तो देखिए, अपने 43 साल के करियर में जनरल बिपिन रावत ने देश के लिए, सेना के लिए जो अपना दायित्व निभाया वो तो देखिए काबिले तारीफ है ही। इसके साथ ही साथ आम से खास, हर किसी के दिल में एक खास जगह बनाई। कश्मीर घाटी की एक मस्जिद से आई तस्वीरें यही बयां कर रही हैं, क्योंकि जिस कश्मीर घाटी में पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने आतंकवाद के बीज बोने की खूब कोशिशें की, जिस कश्मीर घाटी में गुमराह लोग सेना पर पत्थरबाजी किया करते थे, जिस कश्मीर घाटी में सेना को अपना दुश्मन समझा जाता था, उसी कश्मीर घाटी की एक मस्जिद में जनरल बिपिन रावत की पत्नी और 11 अन्य सैन्य अधिकारी जवानों की आत्मिक शांति के लिए विशेष दुआएं मांगी गई। तो जुमे की नमाज के मौके पर कश्मीर घाटी की इस मस्जिद से किस प्रकार देखे शहीद जनरल बिपिन रावत की आत्म शांति के लिए दुआएं मांगी जा रही हैं, जनरल जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, पहले आप वो देखिए। किसी चट्टान से टकराता है या किसी दर्द से टकराता है और इनकी जान चली जाती है, ये हमारे लिए बड़ी दुख की बात है, क्योंकि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में जिदावर पैदा। मेरे दोस्तों, बात ये कहनी है, जीते हैं शख्सवार मैदानी जंग में, वो तिफल क्या गिरे, वो तिफल क्या गिरे जो घुटन के बातें हैं। अब हम अपने इस मुल्क में, अपने इस जनरल साहब के दुख में, मैं आप सब लोगों को ये गुजारिश करूंगा कि 10-15 सेकंड की खामोशी के लिए बिल्कुल आप लोग खामोश, अपने आंखें बंद, अपने अल्लाह से ये कहो कि अल्लाह आप करीम हो, आप रहीम हो, जो ये हमारे जनरल साहब, ये बिपिन रावत साहब जो कल जिनकी जान हो गई, जो कल अमर हुए, अल्लाह उनकी आत्मा को शांति अदा करो। सारे बालों से ये गुजारिश है, आंखें बंद करके अल्लाह से मांगो उसकी आत्मा के लिए शांति। तो घाटी में नमाज के बाद जिस प्रकार जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दी गई, ये बताने के लिए काफी है कि जम्मू कश्मीर के लोग जनरल साहब को कितना अपना मानते थे। जनरल बिपिन रावत की शख्सियत देखिए कितनी प्रभावशाली थी, इसका अंदाजा आप इसी से लगाइए कि अपने सेवा काल में जब उनकी पोस्टिंग जम्मू कश्मीर में हुई तो वहां के स्थानीय लोगों के साथ उनका सीधा संवाद था। मदद के लिए कोई भी शख्स उनके पास आने से हिचकता नहीं था। और किस प्रकार फौजी के अवतार में देश के नागरिकों के साथ अपनापन दिखाना है, यह हुनर जनरल साहब को विरासत में मिला, क्योंकि उनके परिवार की कई पीढ़ियों ने अपना जीवन देश की सेना में लगाया था।